तो मैं हूँ आलोक यादव। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, 11th का इंटरमीडिएट का एडमिशन चालू हो चुका है 2022 का। कैसे करें आवेदन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, बने रहे वीडियो के अंत तक। और जिस भाई भी इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस अंडर लाइन के नीचे, साथ ही आवेदन से पहले आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं, वे सभी जानकारी आज के इस पोस्ट में हम। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक पास छात्र एवं छात्रा को इंटर में दाखिला के लिए काफ़ी समय दिया जाएगा और इसके लिए आवेदन की 2 बार तिथि जारी की जाएगी। एक बार बिहार बोर्ड के छात्र एवं दूसरी बार अन्य बोर्ड जैसे CBSE एवं ISCSE बोर्ड के छात्र एवं छात्राओं के लिए नामांकन की तिथि जारी की जाएगी। बोर्ड की मानो तो CBSE एवं ISCE की बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में घोषित की जा सकती है। ऐसे में इन बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी बिहार बोर्ड से इंटर में दाखिला के लिए अलग से आवेदन की तिथि जारी की जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2022 के शुक्ल क्या कैसे कैसे लगेंगे। BSEB ऑफ इंटर एडमिशन 2022 इंटर नामांकन प्रक्रिया में इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। वैसे विद्यार्थी जो अपने ही विद्यालय में नामांकन लेते हैं, अर्थात जिन स्कूल से वे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो उन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट अपने स्कूल कॉलेज के अलावा किसी अन्य स्कूल कॉलेज में नामांकन लेते हैं, तो उन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान अवश्य ही करना होगा। इसके लिए सामान्य OBC SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ₹350 का आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम में ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, ETC के माध्यम से किया जाएगा। जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं, बिहार बोर्ड 11वीं 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 कक्षा में नामांकन लेने वाले तमाम स्टूडेंट इस बार ऑनलाइन माध्यम में ही आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के पश्चात स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट पर नामांकन लिया जाएगा। इस बार बिहार बोर्ड में के मैट्रिक पास करने वाले छात्र छात्राओं के अलावा अन्य बोर्ड जैसे CBSE ISCE बोर्ड के स्टूडेंट भी बिहार बोर्ड इंटर में नामांकन ले पाएंगे, क्योंकि इस बार मैट्रिक में जितने स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए हैं उससे अधिक सीटों की संख्या बताई जा रही है। बिहार बोर्ड 11th में एडमिशन कब से होगा, इसको लेकर अधिकारी सूचना जारी किए हैं। बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन 22 जून ये दोस्तों मैं बता देता हूँ कि 22 जून से लेकर 30 जून तक रखा गया है। जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पर 22 जून से लेकर 30 जून तक रखा गया है तक स्वीकार किए जाएंगे। इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। स्टूडेंट्स नीचे दिए गए, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे कि यहाँ पर TC, SLC, इन्विटेशन लेटर, 10th मार्कशीट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, कलर फोटो, अदर डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। जो भाई इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, जो भाई इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन का वीडियो दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो।